नमस्कार दोस्तों, आज हर कहीं केवल और केवल कश्मीर की ही बातें हो रही हैं। ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास वीडियो। इस वीडियो में हम आपको कश्मीर के मंदिरों के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और आपको बताते हैं कश्मीर के मंदिरों के बारे में। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सिर्फ वैष्णो माता का मंदिर ही नहीं बल्कि कई और प्रसिद्ध हिंदू मंदिर भी हैं। इनमें से कई तो 9वीं शताब्दी में निर्मित मंदिर हैं, जो अब खंडहर रूप में ही शेष रह गए हैं, लेकिन हिंदू श्रद्धालुओं की आस्था आज भी इन मंदिरों में उतनी ही है जितनी पहले हुआ करती थी। यहाँ हम आपको उन्हीं मंदिरों के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले बात मारतंड के सूर्य मंदिर के बारे में। अनंतनाग और पहलगाम के रास्ते में स्थित भगवान शिव के मंदिर मट्टन से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मारतंड मंदिर। फिलहाल इस मंदिर का ज्यादातर हिस्सा खंडहर की तरह हो गया है। यह मंदिर अपने वैभव काल में कितना विशाल और समृद्ध रहा होगा, इसका अंदाजा इसके खंडहरों को देखकर लगाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर राज्य में जम्मू से करीब 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है शुद्ध महादेव का मंदिर। यह मंदिर शिव भक्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कई पौराणिक और धार्मिक कथाओं में माँ पार्वती और शिव शंभु से जुड़ी कई कहानियों में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। शंकराचार्य को समर्पित एक मंदिर का निर्माण राजा अशोक ने करवाया था। मंदिर के भीतर जो वर्तमान ढांचा है उसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण किसी हिंदू ने कराया था। इस मंदिर में अभी भी दर्शन के लिए शंकराचार्य के भक्त आते हैं। जम्मू कश्मीर स्थित अवंतीपुर एक ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल है। यहाँ 9वीं शताब्दी में बने मंदिरों के खंडहर और अवशेष बाकी हैं। यहाँ भगवान शिव को समर्पित मंदिर अवंतीश्वर और अवंती स्वामी मंदिर है। इन मंदिरों के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि इनका निर्माण कार्य प्रथम उत्पल राजा सुखवर्मन के बेटे अवंती वर्मन ने कराया था। हिमाचल से अलग कश्मीर में भी भगवती ज्वाला देवी मंदिर स्थित है। पौराणिक काल का यह मंदिर दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के खीऊ में स्थित है। यह मंदिर कश्मीरी पंडितों की आराध्य देवी को समर्पित है। माता वैष्णो देवी का मंदिर पूरे देश में प्रसिद्ध है। यहाँ हर मौसम में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। देश ही नहीं विदेश में भी इसकी मान्यता है। जम्मू कश्मीर में स्थित अमरनाथ गुफा में हर साल बर्फ से स्वयंभू शिवलिंग तैयार होता है। हैरान करने वाली बात यह है कि हिमलिंग के निर्मित होने के लिए जल का स्रोत क्या है, यह शिवलिंग कैसे बनता है, यह अपने आप में एक बड़ा अनसुलझा रहस्य है। दोस्तों, ये थी कश्मीर के कुछ मंदिरों की कहानी। अगले वीडियो में आपको कश्मीर के और मंदिरों के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए अलविदा।